नमस्कार। पिछले वाले लेक्चर में आपने राजस्थान के इतिहास के स्रोत में जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे उसके बेसिस पे जो भी सोर्सेज मिलते थे उनका अध्ययन किया है। इसी को हम कंटिन्यू करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान के इतिहास के सोर्सेज में नेक्स्ट आता है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र ये राजस्थान का इतिहास जानने के लिए काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स है। ताम्रपत्र जो है वो राजा या ठिकानों के सामंतों द्वारा दिए जाते थे और ये जो ताम्रपत्र थे या इनाम के रूप में, इकरार के रूप में या दान पुण्य करने के लिए या जागीर आदि अनुदानों को पत्रों पर खुदवाकर जो भी अनुदान लेने वाला था या जिसको भी अनुदान दिया जाता था उससे वह अपने पास संभाल कर सुरक्षित रखता था। अधिकतर जो पुराने समय के ताम्रपत्र हैं वो भूमि अनुदान से संबंधित थे। इसका मतलब ये है कि राजा या सामंत जो भूमि दान में देता था वो उन ताम्रपत्रों को खुदवा के और उस संबंधित व्यक्ति को दिया जाता था। इन ताम्रपत्रों द्वारा तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। ताम्रपत्र के बाद में इतिहास के सोर्स का अध्ययन करने के लिए आते हैं सनद, रुके या फरमान। ये सनद, रुके या फरमान जो हैं ये समसामयिक साधन हैं और ये हमें आज के समय में मूल रूप से उपलब्ध हो सकते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार काव्य ग्रंथों, ख्यातों, शिलालेखों आदि साधनों की बजाय इनकी प्रमाणिकता काफ़ी अधिक है। और ये प्रमाणिकता काफ़ी अधिक क्यों है? क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं के ये समसामयिक स्रोत हैं। दूसरा, यह उन व्यक्तियों द्वारा लिखे गए हैं जो स्वयं उन घटनाओं में कार्यरत थे। तीसरा, इनमें जो परिस्थितियाँ थी उस समय की उनका यथातथ्य वर्णन मिलता है, यानी कि उन समय की परिस्थितियों में जो जो घटनाएं हुई उनका वर्णन दिया जाता है। इसी के साथ कुछ विद्वानों के अनुसार ये भी है कि रुके सनद व फरमान से हमें घटनाएं क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई या किन परिस्थितियों में घटित हुई उनका वर्णन भी मिलता है। अगला, इन सनद, रुके या फरमानों के द्वारा हमें राजनीतिक घटनाओं की तो जानकारी मिलती है, इसके साथ धार्मिक विश्वासों, सैनिक अभियानों, युद्ध के तौर तरीकों, राज्य व्यवस्था, लगान, कर, सामाजिक दशा, राजाओं को मिलने वाले शाही किताब आदि की भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, सनद के फरमान के बाद में है खरीदा। खरीदा के लिए थोड़ा सा टेक्निकल टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। खरीदा के अंदर ये होता है कि जो एक शासक है वो जो दूसरे शासकों को पत्र लिखते हैं उन पत्रों को खरीदा की श्रेणी में रखा जाता है। इनके माध्यम से शासकों की नीति का, उनका मुगल मराठों से संबंध, राजाओं के भूमि समझौते आदि सब चीज़ों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इनके द्वारा राजस्थान के राज्यों के आपसी संबंधों का भी पता चलता है, क्योंकि पत्रों के माध्यम से तो हमें पता चलता है कि किस राजा का किसी दूसरे राजा के प्रति या उसके राज्य के प्रति क्या एटीट्यूड था। इन पत्रों को सुरक्षित कर बीकानेरपुरा अभिलेखागार में सुरक्षित कर लिया गया है और उसकी एक माइक्रोफिल्म बना ली गई है, सो दैट कि आगे रिसर्चर या कोई भी उसको देख के और आगे फर्दर रिसर्च करना चाहे तो वो हमें उपलब्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट है ड्राफ्ट, खरीदा व परवाना। जयपुर के शासक द्वारा भेजे गए खरीदों व परवानों की जो प्रतिलिपि है उनको ड्राफ्ट, खरीदा या परवाना कहा जाता है। इसके द्वारा तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंधों, सैनिक कार्रवाई, संधियों आदि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला साधन है परवाना। शासन द्वारा अपने जो अधीन कर्मचारी होते हैं या डायरेक्ट अपने अधीन कर्मचारी या जो अलग अलग कस्बों में तैनात अन्य कर्मचारी होते हैं उनको जो पत्र भेजे जाते हैं वो सब पत्र परवाना की श्रेणी में आते हैं। इनके द्वारा राजस्थान के विभिन्न राज्यों की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। ये जो परवाना होते हैं ये मुख्यतः चार भागों में बांटे गए हैं। सबसे पहला है दो वक्री। दो परतों वाला जो दस्तावेज होता है उसको दो वक्री कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से दैनिक प्रशासन, युद्ध की तैयारियों का खर्चा, कच्चे माल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना
युद्ध स्थल में घायलों का उपचार आदि का वर्णन दो वक्री प्रकार के परवाना में उपलब्ध है। नेक्स्ट है जमाबंदी। जमाबंदी परवाना जो है वो राजस्व से संबंधित है। इसके अंदर मासिक अथवा वार्षिक चूंगी का हिसाब किताब, नए व पुराने करों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मुल्की। इनके अंदर भइयों के रूप में 3 से लेकर 10 वर्ष तक का हिसाब किताब मिलता है और इसमें राज्य की आमदनी, परगने, युद्ध अभियान, कर्मचारियों के वेतन आदि कार्यों में किए गए खर्चों का जो विवरण है वो मुल्की के अंदर उपलब्ध है। अगला है तल्की। राजाओं के आदेश तथा अन्य राज्य के शासकों, सामंत व अन्य कर्मचारियों को भेजे हुए जो पत्रों की नकल है वो तल्की के अंतर्गत आती है। एक तल्की प्रकार के जो पत्र हैं उनसे हमें कूटनीतिक व राजनीतिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है, ये अर्जुनदास गलती से टाइप हो गया है, ये है अर्जदास। विभिन्न राज्य के सामंतों व अधिकारियों द्वारा जयपुर के शासक को लिखे गए पत्रों तथा अर्जियों को अर्जदास कहा जाता है। अगला है अखबारात। मुगल दरबार द्वारा प्रकाशित दैनिक बुलेटिन का जो संग्रह है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। मुगल दरबार की जो नियुक्तियां हैं उनकी भी जानकारी अखबारात के द्वारा ही प्राप्त होती है। अगला जो सोर्स है वो है वकील रिपोर्ट्स। मुगल दरबार ने जयपुर राज्य के हितों को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ एक राजदूत रहता था और जो मुगल दरबार की जो भी घटनाएं होती थी वो पत्रों के द्वारा ही अपने शासक को पहुंचाता रहता था या उसकी जानकारी देता था। दूत द्वारा जो लिखे गए पत्र हैं उन पत्रों को वकील रिपोर्ट्स कहा जाता है। इन पत्रों में मुगल दरबार के घटनाओं के साथ साथ हमें राजस्थान के शासकों की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी मिलती है। ये जो वकील रिपोर्ट्स हैं ये फारसी व राजस्थानी दोनों ही भाषाओं में मिलती हैं। नेक्स्ट है दस्तूर कौमवार। जयपुर राज्य से संबंधित युद्ध में काम आने वाले व्यक्तियों को दी गई इज्जत का वर्णन दस्तूर कौमवार में उपलब्ध है। ये वर्णक्रम से वर्ष के अनुसार अलग अलग जिलों में उपलब्ध हैं। इसके द्वारा हमें तत्कालीन गहनों, वस्त्रों, उत्सव, पर्वों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है भइयां। राजस्थान में निम्नलिखित प्रकार की भइयां उपलब्ध हैं। सबसे पहला है हकीकत भई। हकीकत भई में शासकों के जो दैनिक क्रियाकलाप हो उनसे मिलने वाले जो राजनीतिक व्यक्ति आते हैं उनका वर्णन है, यानी कि आज शासक से क्या क्या उसने दिन में कार्य किए या आज उसी के राज्य से रिलेटेड कौन सामंत आया या किसी दूसरे राज्य का कौन दूत आया, इन सब का वर्णन हकीकत भई में लिखा गया है। इनमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि घटनाओं का हमें बहुत अधिक वर्णन मिलता है। ये भइयां जो हैं ये विशेषतः जोधपुर में मिलती हैं और 15वीं शताब्दी से यहाँ के जो अंतिम शासक हनुमंत सिंह हैं वहाँ तक की भइयां हमें उपलब्ध है और प्रत्येक भई में 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के समय का वर्णन लिखा गया है। अगली भई है ओदा भई। इसमें जोधपुर से विभिन्न मराठा सरदारों को जो लिखे गए पत्र हैं या उनके अधीन कर्मचारियों द्वारा अपने उच्च अधिकारियों और शासकों को भेजे गए पत्र हैं वो इन भइयों में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है खरीदा भई। जोधपुर रिकॉर्ड की जो खरीदा भइयां हैं उनकी संख्या 17 है और जोधपुर के महाराजा द्वारा राजस्थान के विभिन्न राजा व मराठों के नाम भेजे गए पत्रों की जो नकल है वो हमें खरीदा भई में मिलती है।